पुरुलिया से बीबीसी हिंदी के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम पुरुलिया के केंद्र में हैं, सारे जो दफ्तर हैं सरकारी दफ्तर वो यहाँ पर हैं, और पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक रैली हो रही है या कहीं सभा हो रही है, जहाँ पर ये आप नारे देख रहे हैं, जो दो कार्यकर्ताओं की बीजेपी के लोगों का कहना है कि हत्या हुई है, उनके शव पाए गए हैं पिछले 7 या 10 दिनों में, उसको लेकर ये प्रदर्शन है। आइए इनसे समझने की कोशिश करते हैं, और ये 4 दिन प्रदर्शन शायद रहेगा। क्या नाम है आपका और ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? मैं राजेश कुमार कटारू का भारतीय जनता पार्टी का कोषाध्यक्ष है, जिला का हूँ। हमारे यहाँ प्रदर्शन इसलिए चल रहा है ना, एक जगन्नाथ टुडू, एक त्रिलोचन महतो और दुलाल कुमार को तृणमूल वाले बहुत बेरहमी से गांच में लटका कर मार दिए हैं। हम लोग का पंचायत इलेक्शन में ये लोग हर तरह से हम लोग को रोकने की कोशिश की है। पहले नॉमिनेशन नहीं उठाने दिए, वहाँ पर मारपीट गुंडागर्दी किए, जहाँ हमने नॉमिनेशन फाइल किया वोट देने नहीं दिए, काउंटिंग में इन लोग पूरा गोलमाल किए, बम रिवॉल्वर हम लोग के आदमियों को मारे, किसी को गोली मारे, देश के हर न्यूज़ चैनल ने यह दिखलाया है। जब उसमें भी ये नहीं सके, जनता ने हमारा साथ दिया, तो एक एक करके अभिषेक जी ने कलकत्ता से अनाउंस किया, मैं 1 तारीख को जा रहा हूँ पुरुलिया में विरोधी शून्य करने के लिए, और उनका अनाउंस होना था ना, 3-3 मर्डर हमारे हो गए। तो इस तरह से जब जनता हमारे साथ है और खुल का आशीर्वाद दे रही है, तो वो यदि सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस हिसाब से हम लोग हरा देंगे या कुछ भी नहीं करने देंगे, तो यह संभव है, क्योंकि जनता हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगी, और तृणमूल का जो ये दादागिरी ये हम लोग नहीं चलने देंगे। ठीक है, ये आरोप लगा रहे हैं। मैं जो दूसरा पक्ष है वो भी बात करूंगा उसके। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि हमने यहाँ पर स्थानीय प्रशासन से बात करने की कोशिश की, आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं आकाश मघारिया से, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमसे कोलकाता में जो CID है दफ्तर, वहाँ संपर्क करने के लिए कोशिश कहा है, लेकिन जो जितना मैं समझ पाया हूँ उनकी बात से, उनका कहना है कि अभी मामले की जांच चल रही है, हालांकि हमारे हाथ से जांच खिसक गई है, वो CID जांच कर रही है, तो आधिकारिक तौर पर हमारे पास कोई वर्ड नहीं है कि ये क्या हुआ। आप बताइए, ये 4 दिन ये रैली या सभा चलेगी, आज कौन सा दिन है? ये 2रा दिन है आज। क्या मांग कर रहे हैं आप और क्या माहौल है इस वक्त पुरुलिया में? देखिए, यहाँ तृणमूल कांग्रेस पूरा आतंक का माहौल बना दिया है। सीरिया में और पाकिस्तान में जैसे माहौल बनता है, उसी तरह ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस यहाँ बना के रखी है। और CID तो उसका टट्टू घोड़ा है, वो जो चेस का दावा का जो घोड़ा होता है, उसी तरह CID है इन लोग का। CBI छोड़ के सही जाँच कोई नहीं यहाँ कर सकता है, और ये सही जांच करके इन लोग को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तो इन लोग का जो टारगेट है ऐसे ही चलाते रहेंगे और ऐसे ही करके भाजपा को समाप्त करने का इन लोग टारगेट किए हैं। ये जो सीरिया से कंपैरिजन है, ये क्यों आ रहा है? सीरिया एक अलग मसला है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन, उसका ये एक लोकल मसला है, उसको आप क्यों नहीं डील कर रहे हैं? ये कंपैरिजन क्यों आ रहे हैं? पश्चिम बंगाल में जो माहौल है, सीरिया में जैसे IS लोग जो करके रखा है, सेम सिचुएशन यहाँ तृणमूल कांग्रेस किया है। यहाँ कानून बोल के कोई चीज नहीं है, पुलिस एकदम गुंडाओं के साथ मिल के खुली आतंक एकदम बना के रखी है, आदमी पुलिस देख के डर रहा है। आज के डेट में शाम को 5 बजे के बाद कोई भी आम पब्लिक, भाजपा का बात नहीं बोल रहा, आम पब्लिक पुलिस देखने से डरती है। इसलिए डरती है क्योंकि पुलिस गुंडा तृणमूल मिल के यहाँ सत्ता चला रही है। लेकिन आप IS या फिर सीरिया का की बात करके क्या मामले को आप कम्युनल सांप्रदायिक रंग नहीं दे रहे हैं? यहाँ दो लड़के हैं, दो लोग हैं, उनकी मतलब जो परिवार का मानना है कि उनकी हत्या की गई है, आपको प्रशासन से जांच की मांग नहीं करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि उसको हम कम्युनल बनाए ISIS या फिर सीरिया से कंपेयर करें? जाँच का तो मांग कर रहे हैं, निष्पक्ष जाँच के लिए ही तो हम CBI का जाँच मांग कर रहे हैं। इस सरकार से कोई भरोसा नहीं है, इस सरकार पिछले 1 महीना से इसका तमाशा देख रही है। चुनाव के पहले 2 दिन पहले जगन्नाथ टुडू नाम का अपना एक कार्यकर्ता को दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया, उसके खिलाफ FIR दर्ज किया गया है 3-4 लोगों के नाम पे, अभी तक यूं छू भी नहीं सका यहाँ की पुलिस, और उसी पुलिस के एक हिस्सा है CID यहाँ की, और CID के जो यहाँ का जो पोजिशन है आज तक, ये सबको पता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारी पश्चिम बंगाल एकदम दहशत का माहौल बना के इन लोग रख दिया है। पूरे हिंदुस्तान की आज अखबार में छी छी थू थू कर रहा है यहाँ का जो प्रशासन है, डेली मारपीट हत्या ये कंटिन्यू हो गई है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में। जैसे IS का टारगेट है कि किसी भी
परिस्थिति में मारपीट करके सत्ता को हासिल करना है, सेम वैसे ही ममता बनर्जी का टारगेट है जी। और मैं बता दूं कि मैं जब कोलकाता से पुरुलिया की तरफ आ रहा था तो रास्ते में हर जगह हर बैनर पर ममता बनर्जी की तस्वीर दिखती है, जो उनका इलेक्शन सिंबल है वो हर जगह नजर आता है, फ्लैग्स नजर आते हैं। लेकिन अगर आप पुरुलिया के अंदर भीतर घुसे तो फिर अचानक फिर बीजेपी के झंडे या फिर बीजेपी के बैनर्स नजर आने लगते हैं। पुरुलिया ने बीजेपी का साथ दिया है किसी हद तक, लोगों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, और लेकिन ये जो पूरी हिंसा हुई है खासकर पंचायत चुनाव के बाद, उसके बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। हम गाँव में भी गए हैं, इंटीरियर में भी गए हैं जहाँ ये घटनाएँ हुई हैं। लोगों का कहना है कि लोगों में दहशत है, लोग डरे हुए हैं। कई लोगों ने बताया कि वो रात में सो नहीं रहे हैं, वो हथियार या हथियार कह करें डंडे या फिर जो कुछ उन्हें मिल पाता है वो रक्षा करते हैं कि भाई कोई बाहर वाला नहीं आ पाए, ये हमें लोगों ने बताया है। अब मुझे बताइए कि अब आप ये जो आप रैली कर रहे हैं इससे क्या हासिल, मतलब डिमांड 1, 2, 3 क्या डिमांड है आपकी? देखिए, पहला डिमांड तो अपना है कि हम लोग को CBI जाँच चाहिए, जो हत्याकारी है उन लोग को पकड़ना चाहिए, और इसका जो मेन मास्टरमाइंड है कलकत्ता में बैठा हुआ है जिसको अभी युवराज बोलते हैं हम यहाँ के तृणमूल कांग्रेसी, वो युवराज, उनको अरेस्ट करना चाहिए, तभी यहाँ शांत हो गई। किसका नाम ले रहे हैं आप? माननीय अभिषेक बनर्जी का, जो आप आरोप लगा रहे हैं उन पे? आरोप नहीं, एकदम ये हकीकत है। उन्हीं वो जब यहाँ एक स्टेटमेंट दिए कि मैं पुरुलिया जा रहा हूँ ओपोजिशन सुन्न करने, अगर इस भाषा को दूसरा कोई बोले तो क्या होगा? ये आरोप आप लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं मामले की जांच हो, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच छोड़ के कोई यहाँ का ही नहीं होगा। दूसरा, जो दहशत का माहौल है, आदमी लोग घर में नहीं सो रहे, हमारे जीते हुए कैंडिडेट को थाना में पुलिस ओसी बुला के धमका रहे हैं कि या तो तुम तृणमूल ज्वाइन कर लो नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये कौन बोल रहा है? जो हम लोग के जीते हुए कैंडिडेट हैं उनको थाना में बुलाया जा रहा है, उसी धमका रहे हैं। पर हम लोग के पास यदि कुछ होता तो कहाँ जाएंगे? हम लोग पुलिस के पास जाएंगे, और पुलिस ही रक्षक के जगह बच्चक बन गई है यहाँ पर वेस्ट बंगाल की, तो इस तरह कैसे चल सकता है? हम लोग को सीढ़ी चाहिए कि पश्चिम बंगाल में इस तरह का माहौल जो बना हुआ है पुरुलिया में वो बंद हो, और हम लोग शांति से रह सके, सभी को जीते हुए कैंडिडेट वगैरह। दो जन रघुनाथपुर के कैंडिडेट को हम लोग को तोड़ लिए, वो लोग खरीद बिक्री धमका कर, तो इस तरह रोज लोग कर रहे हैं। और जहां तक सीरिया का मामला है वो भाई साहब बोले, ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन एक चीज बताइए, अमित शाह भी यहां पर आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने ट्वीट भी किया था, आने का क्या प्रोग्राम है उनके यहां पे, अभी कुछ पता चल पाया? वो 28 तारीख को आने का उनका प्रोग्राम बन रहा है, 28 तारीख का पुरुलिया 28 को बन रहा है। खैर ठीक है, जो हमें देख रहे हैं फेसबुक पर, एक सेकंड अगर आप मुझे देखें दिखा दे कि एग्जैक्टली यहां पर क्या हो रहा है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक और स्थानीय नेता हैं, बहुत ही ब्रीफली बता पाएंगे क्या यहाँ पर हो रहा है और क्या मांगे आपकी? जो लड़का लोग को खून किया करके वो किसी को पेड़ में झुलाया, किसी को इलेक्ट्रिक पोल में झुलाया है, और ये पुलिस बोल रहा है सुसाइड केस है, लेकिन मेरा जहाँ तक आइडिया है कोई डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिख नहीं सकता है। पुलिस साफ कुछ नहीं बोल रही है, वो कह रही है मामले, मतलब जितना मुझे समझ में आया पुलिस की जांच टेस्ट होता है तब तक मैं कॉन्क्रीटली नहीं बोल सकता सुसाइड है, डेट इज मीन शासरोध करके उसको मारा गया है, ये आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बोल सकता है कि अपने से लटकाया कि मारा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा हो रहा है क्या आपकी जो निशाना है वो 2019 के चुनाव नहीं है? 2019 नहीं, हम लोग डेमोक्रेसी वे से CBI इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं कि CID ममता दीदी का अपना डिपार्टमेंट है, इन्होंने जब डॉक्टर को मैनिपुलेट कर सकता है, पुलिस को मैनिपुलेट कर सकता है, SP को कर सकता है, सीरियस चार्जेस आप लगा रहे हैं जो एकदम सीरियस है, CID को देखे मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग 100% बोल रहे हैं खून किया गया है, इस खून के बदले में हम लोग CBI इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं, हम लोग का मेन मुद्दा है। और 2019 का जो निर्वाचन प्रेक्षापट होगा, अभी जो पेट्रोल डीजल का दाम आदमी बोल रहा है 2019 में ये नहीं बोलेगा आदमी, मोदी जी एक भयंकर है, मोदी जी भारत को दिशा और दशा दिखाना चाहते हैं, भारत का 71% मोदी जी का फॉर्म है, और आने वाले जितना कीचड़ एक होगा, जितना चोर 13 पार्टी एक होगा 23 पार्टी, उस कीचड़ में कमल खिलेगा। ठीक है, ये जो हो रहा है इससे आपको फायदा तो होगा? हम लोग CBI का हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है, पुरुलिया में जो डेमोक्रेसी को मार रहा है फोर्सफुली, ये लोग तृणमूल में टान रहा है, आदमी को चमका के डरा के केस दे रहा है, थाना में घुसा रहा है, और इसका CBI तदन, और एक 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 डेमोक्रेसी वैसे हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं, हम लोग हिंसा का राजनीति नहीं करते, टेररिज्म नहीं करते हैं, हम लोग डेमोक्रेसी वैसे आंदोलन करके हम लोग को यही डिमांड है CBI जांच होना चाहिए। CBI जांच की मांग कर रहे हैं।
यहाँ पर स्थानीय टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक बेसिक कि यहाँ क्या हो रहा है। एक सेकेंड अगर आप हटें, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड तो चढ़ जाओ यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये सभा है जहाँ बीच में बहुत सारी महिलाएं भी बैठी हुई हैं, बात कर पाएंगे? हम बीबीसी हिंदी से फेसबुक लाइव है, बात कर पाएंगे आप? शोर बहुत है मैम, फिर आवाज नहीं आएगी। एक सेकेंड थोड़ा सा शांत अगर पाए। क्या नाम है आपका, क्या मांगे? मैं लॉकेट चैटर्जी। मैं एक सेकंड सर, उसको बोलना दीजिए, उसको बोलना दीजिए। नहीं, अच्छा ठीक है। क्या मांग है आपकी? देखिए, मैं महिला मोर्चा प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल लॉकेट चैटर्जी। हम लोग जो पुरुलिया में जो 3 जोन का जो पंचायत चुनाव को लेकर जो मौत हो गया, इसलिए हम लोग सीबीआई तदंत के लिए हम लोग इधर आंदोलन में अभी शामिल हुए हैं। यह हमारा आंदोलन सेकंड डे है। जो सीआईडी जो इंक्वायरी देकर जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट चाहता है जो सीबीआई को एकदम रोक दिया करे, और जो खूनी है उसको इधर से पूरा के पूरा बाहर में भेज दिया जाए, और पूरा के पूरा इधर का जो अभी दुलाल कुमार का जो बोल रहा है सुसाइड केस है, ये तो खून का कुछ मतलब नहीं है, ये पूरा के पूरा झूठ है। हम लोग चाहते हैं पूरा के पूरा दोषी को तुरंत गिरफ्तार करके उसको शास्ति देना। उसका परिवार हमारे साथ है, 3 लोगों का परिवार मेरे साथ है, और सीआईडी तदंत के बदले सीबीआई तदंत अगर ना होगा तो इसका जवाब नहीं मिलेगा। हम लोग अभी रास्ते में, अभी सेकंड डे है, अभी आंदोलन चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं लोग। एक से प्रीतम हमारे कैमरा पर्सन है, प्रीतम अगर आप नीचे आ जाए, काफी शोर है। हाँ, एक सेकेंड, कोई हमारे एक महिला साथी है यहाँ बीजेपी की स्थानीय, वो बात करना चाह रही है, अगर आप आए, क्योंकि बहुत शोर है, शायद जो हमें देख रहे हैं फेसबुक पर वो शायद बहुत ज़्यादा उनको समझ में ना आए, हम अभी वेट कर रहे हैं। लेकिन ये जैसे कि उन्होंने बताया, दूसरा दिन है आज यहाँ पर ये जो सभा है, ये प्रोटेस्ट रैली है। अगर आप मैम आ पाए, थोड़ा सा इधर आ पाएंगे क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है। बहुत ब्रीफली बता पाएं, क्या नाम है आपका, क्या मांग है आपकी? नीलिमा गुप्ता है, हम पुरुलिया जिला की डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। क्या चाहती हैं आप? सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं सब लोग। हाँ, सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता कभी नहीं बोलेगा या कोई भी बीजेपी का नेता सुसाइड नहीं करेगा, इसका सीबीआई जांच होना ही चाहिए। सुसाइड है ही नहीं, पूरी तरह से ये मर्डर है। हम उनसे मिले हैं, बात किए, उसका फैमिली से मिले हैं, वो बहुत ही अच्छा कार्य करता था। उसको आप उनको पहले से जानती थी? हाँ, हम लोग उस मंडल में काम किए हैं तो हमको पता ही है, उसे मिले ही हैं, बहुत ही जिंदा की बात कर रही है कि महतो जी की बात? दोनों से ही, दोनों को जानती थी आप? जानते थे। हाँ, पर्सनली क्या, मैंने मीटिंग में जब भी जाते थे, जब जाती थी, एक अच्छा कार्य करता था वो। अच्छा, बहुत ही अच्छा कार्य करता था, इसको टारगेट किया गया है। तो बीजेपी के लिए क्या क्या काम करते थे वहाँ पे? दुलाल हो गए या फिर बीजेपी का संगठन को मजबूत करना, जो हम लोग का काम है, पब्लिक का जागृत करना, चाहे जो संगठन का काम था हमेशा आगे रहते थे, चाहे मोर्चा का काम हो, चाहे संगठन का काम हो, चाहे ये सबसे ज्यादा तो पंचायत का बहुत ही काम किया हो। उसे दोनों लड़का है, जो भी हुआ है उन लोग के साथ बहुत गलत हुआ है, जरूर से जरूर सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बगल में टीएमसी का छोटा सा दफ्तर है, और यहाँ पर कुछ टीएमसी से जुड़े लोग हैं, अंदर बैठे हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले लूडो खेल रहे थे, अभी अंदर चले गए हैं शायद। आप सभी टीएमसी से हैं? ये जो बाहर हो रहा है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये जो आरोप, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेख जुबेर अली, हम INTDC जिला संपर्क मैक्सी टैक्सी यूनियन का। जो आरोप जो लगा रहा सभी गलत है, सभी गलत आरोप है, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में जिस तरह का उन्नयन हुआ है, पश्चिम बंगाल का आदमी उन्नयन के साथ में है। 7 साल में जो उन्नयन
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो किया है वो तो सभी को दिख रहा है। ये जो दो लड़कों की मौत हुई है जिस पर पुलिस बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल रही है, प्रशासन भी कुछ नहीं बोल रहा है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता, इस पर क्या कहेंगे आप? इसके बारे में देखिए ये तो प्रशासन की बात है, प्रशासन इसको लिए देखभाल कर रहा है प्रशासन। ये जो लेकिन टीएमसी को लेकर जो भय है, जो डर है, ये सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं बोल रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं उनमें से कई लोगों का कहना है कि थोड़ा जो माहौल है वो खासकर जो पंचायत के चुनाव के नतीजे आए हैं उसको लेकर खराब हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए पंचायत में की बात है, पंचायत में देखिए आज तो जिला परिषद हम लोग का ही हुआ है, समिति भी हम लोग का ही हुआ है, अभी सभी हम बीजेपी को लोगों ने यहाँ वोट दिया है, बीजेपी को रहिए कुछ ज़्यादा कुछ वोट नहीं मिला ऐसे कोई वेपर नहीं, पंचायत हमारा ही है, जिला परिषद भी हमारा ही है, समिति भी हमारा ही है, आप प्लीज देखते सकते आप लोग कुछ बोलेंगे? वही कह जो कहना है तो कह दिया, वही बात आप लोग कुछ बोलेंगे? टीएमसी के लोग नहीं बात कर रहे हैं हैं? अच्छा ये अरे कुछ आप तो कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे? अच्छा आइडिया, लेकिन ये जो बाहर रैली हो रही है इस पर क्या बोलेंगे? रैली क्या सभा हो रही है, कुछ बोलेंगे? बोलेंगे कोई? कोई नहीं बात करेगा टीएमसी की तरफ से? खैर तो सिर्फ एक आवाज़ हमें टीएमसी की तरफ से सुनने को मिली है, ज़्यादातर लोग बात नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट टीएमसी के बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे तो नहीं, कुछ लोगों से जो हमने बात करने की कोशिश की है वो भी थोड़ा ऐसा लग रहा है मुझे कि कतरा रहे हैं बात करने से। खैर भारतीय जनता पार्टी की सभा हो रही है, आज दूसरा दिन है, पुरुलिया में जो दो लड़कों का शव लटके हुए पाया गया है उसके बाद से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, प्रशासन बहुत खुल के नहीं बात कर रहा, खुल के क्या बात ही नहीं कर रहा है ऑन रिकॉर्ड कि क्या हो रहा है यहाँ पर, जांच में क्या हो रहा है। इनफैक्ट जो सुसाइड की बात कही जा रही है कुछ सेक्शंस में उसको, उस पर भी क्लैरिटी या क्लियरली जो पुलिस प्रशासन है या प्रशासन है उनमें से कोई बात नहीं कर रहा है। मुझे विनीत खरे को पुरुलिया से इस बीजेपी की सभा से बाहर से थोड़ी दूर से दीजिए अनुमति।